हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो पॉइंटर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 फरवरी को यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, सो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस 2019। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि मैं एक करंट अफेयर्स की जो है सीरीज स्टार्ट करूँगा, सो ये उसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे इंपॉर्टेंट जो इंडेक्सेस है 2019 के, उसमें इंडिया की रैंक क्या है, उसमें टॉप कंट्री कौन सी है और इंडेक्स का नेम कौन सा है, कौन सा इंडेक्स हुआ था। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो उसको राइटिंग में भी कर लीजिएगा। और फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने जो है यूपी पुलिस एक्ट 1861 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको आप जरूर देखें। मैंने यूपी एपीओ का सिलेबस, उसमें निगेटिव मार्किंग कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है यूपी एपीओ का, वो सब मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है। सो फ्रेंड, आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखें। सो फ्रेंड, आइए चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस 2019 की, यानी कि 2019 में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हुए हैं उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंडिया की रैंक देखेंगे, टॉप कंट्री उस इंडेक्स में कौन सी रही है उसको देखेंगे, और इंडेक्स कौन सा था उसको भी हम देखेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंडेक्स है वो था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019। इसकी जो टॉप कंट्री थी वो थी आइसलैंड, और जो इंडिया की इसमें रैंक रही है वो रही है 108th, यानी कि 108वीं रैंक थी इंडिया की इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में। सो फ्रेंड, ये मैंने इंडिया से रैंक इसलिए नहीं लिखी है जिससे आप राइटिंग में कर सको, आपको राइटिंग करते करते ये हो याद भी हो जाएगा और अपने जो लास्ट टाइम होगा वहाँ पे आप रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। इसमें जो टॉप कंट्री थी वो थी नॉर्वे, और इंडिया की रैंक थी 62nd, यानी कि 62वीं इंडिया की इसमें रैंक थी। नेक्स्ट है लिगेटम रिचनेस इंडेक्स 2019। इसमें जो टॉप कंट्री थी वो भी थी नॉर्वे, और इंडिया की इसमें रैंक थी 94th, यानी कि 94वीं रैंक। नेक्स्ट है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019। इसमें टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने, और जो इंडिया की रैंक थी वो थी 177th। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स 2019, जिसमें कि टॉप किया था इराक ने, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म है वो इराक में है, और जो इंडिया की जो उसने रैंक दी थी जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेटली इन्होंने दे रखी है वो है 7th। नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। इसमें जो टॉप किया था वो किया था नॉर्वे ने, और इंडिया की इसमें रैंक थी 130। नेक्स्ट है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में जो टॉप पर था वो था बेलारूस, और जो इंडिया की रैंक थी इसमें थी 102nd। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है IMD ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स 2019, जिसमें टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने, और जो इंडिया की रैंक थी वो थी 53rd। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019, जिसमें टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने, और इंडिया की जो रैंक थी वो थी 80, यानी कि 80वीं रैंक। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 डेनमार्क। इसमें टॉप किया था डेनमार्क ने, और इसमें इंडिया की रैंक थी 78। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019। इसमें जो टॉप किया था वो किया था यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, और इंडिया की रैंक थी इसमें 36th। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2019। इसमें टॉप किया था हांगकॉन्ग ने, और इंडिया की जो रैंक थी वो थी 129। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019। इसमें जो टॉप किया था वो किया था स्वीडन ने, और जो इंडिया की इसमें रैंक थी वो थी 11th। फ्रेंड नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें जो टॉप किया था, यानी कि वर्ल्ड की जो सबसे हैप्पी कंट्री माना गया था वो थी फिनलैंड, और अगर हम बात करें हम इंडिया की तो इंडिया की जो रैंक है वो है 140। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019, जिसमें टॉप किया था नॉर्वे ने, और इंडिया की इसमें रैंक थी 140। नेक्स्ट है फ्रेंड एशिया पावर इंडेक्स 2019। देखिए, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें जो टॉप किया था वो यूएसए ने किया था, और यूएसए एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, सो इसमें आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सो एशिया पावर इंडेक्स 2019 में जो टॉप किया था वो किया था यूएसए ने, और इंडिया की इसमें रैंक थी 4th। फ्रेंड ये आगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम एशिया पावर इंडेक्स मैंने रिपीट करके लिख दिया, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट था वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2019। वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2019 में आइसलैंड ने टॉप किया था, और इंडिया था 141 रैंक पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019। इसमें जो टॉप किया था वो किया था स्वीडन ने, और इंडिया की जो रैंक थी वो थी इसमें 76th। नेक्स्ट हम बात करें
IMD ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 सिंगापुर, इसमें सिंगापुर ने टॉप किया था। और इसमें जो है जो टॉप जो इंडिया की जो रैंक थी वो थी 43rd। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो वो था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019, इसमें टॉप किया स्विट्जरलैंड ने और इंडिया की रैंक थी 52nd। नेक्स्ट है कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019, जिसमें टॉप किया सिंगापुर ने और इंडिया की रैंक थी 68th। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट था ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, जिसमें कि टॉप किया था स्पेन ने और इंडिया की रैंक थी 34th। नेक्स्ट है ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019, जिसमें कि टॉप किया था सिंगापुर ने और इंडिया की इसमें रैंक थी 68th। अबे फ्रेंड याद रखिएगा, ये है जो ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में टॉप किया था सिंगापुर ने, IMD ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में भी टॉप किया था सिंगापुर ने, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि IMD ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 43rd और जो इसमें ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 है इसमें इंडिया की रैंक थी 68th। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019, इसमें जो टॉप किया था वो किया था USA ने और इंडिया की रैंक थी 82nd। नेक्स्ट है फ्रेंड नेक्स्ट लास्ट जो वो है डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019, इसमें टॉप किया था न्यूजीलैंड ने और इंडिया की जो रैंक थी वो थी 63rd। अब मैं आपको इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है वो भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट तो इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाए। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 4th है, जिसमें कि स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था, उसको भी करके जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स 2019, जिसमें इराक था फर्स्ट पे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें नॉर्वे ने टॉप किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जिसमें बेलारूस ने टॉप किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव जो 2019 का इंडेक्स है, उसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें डेनमार्क ने टॉप किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसमें USA ने टॉप किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 नॉर्वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2019 आइसलैंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो कम्पिटिटिव इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर करके जाए। और जो नेक्स्ट था वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019, जिसमें USA ने टॉप किया, ये और डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 न्यूजीलैंड, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉप किया था, ये सारे इंडेक्सेस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें हम कुछ और अच्छा कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मैं जनवरी के लास्ट तक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर कर दूंगा। सो फ्रेंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड ओके बाय एंड टेक केयर।